पकड़ ब्लॉगिंग कर रहा आज तू पहले सट्टे ही उंगल लगा ली आगे कैमरे के। हाँ जी होगी चारा दी भाई सही है। अस्सलाम वालेकुम शपै गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका भाई भी एकदम शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद। ये मेरे पीछे सारा सीन देख के घबराना नहीं है भाई, मैं आपको सारी कहानी जरा बताता हूँ। थोड़ा सा इधर भी देख लो अभी, उसके बाद थोड़ा सा इधर देख लो, फिर इधर देख लो, फिर उसके बाद उधर देख लो। अभी ये है कि मैं अपनी शिफ्टिंग कर रहा हूँ दोबारा आफ्टर COVID-19, मैं वापस बहावलनगर आया हुआ था। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं लाहौर होता हूँ और सारी फैमिली मेरी बहावलनगर में होती है। तो पिछले कुछ महीने जो हालात थे उनकी वजह से मैं वापस आ गया था क्योंकि सब कुछ बंद था। अभी दोबारा से वहाँ पे वापस जा रहा हूँ, शिफ्टिंग हो रही है। ये वो सामान है जो यहाँ से, मतलब इसमें ये मेरा इस तरफ पीसी पड़ा हुआ है और ये अम्मी ने मेरे नए अपार्टमेंट के लिए मुझे सारे बर्तन वगैरह, ग्लास, कप्स और इस तरह की चीजें लेके दी। सब आपको सब दिखाएंगे भाई, टेंशन नहीं लेने का। और ये इस तरफ जो है, ये पीछे आपको स्क्रीन पड़ी हुई नजर आ रही है, ये ब्लैक सी पूरी स्क्रीन मैंने रखी है और इसके बीच में मैंने जो नए तकिए अम्मी ने लेके दिए और एक कुशन जो घर से उठा के लाए हैं वो मैंने उसको जो है वो बीच में फंसाया है ताकि स्क्रीन जो है वो लगे ना। और ये एसी का क्या आउटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो जो बाहर लगता है छत के ऊपर रखा जाता है या दीवार पे, वो लगता है ना, आउटर ही बोलते हैं शायद मेरा ख्याल। हाँ, तो एसी का ये वो पड़ा हुआ है। अम्मी अब्बू ने नए अपार्टमेंट के लिए नया एसी लेके दिया है तो ये उसका वो पड़ा है। और जो अंदर कमरे में लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये आउटर है तो वो इनर होगा, पता नहीं जो भी बोलते हैं, वो पीछे डिग्गी में। अभी कहीं रुकूंगा मैं चाय वगैरह पीने के लिए तो मैं आपको डिग्गी का भी सीन चेक करवाऊंगा। और ये ऊपर गिटार पड़ा हुआ है, इसके गिटार मैंने इस तरह इसको रखा है बस गिटार की बात सेफ चला जाए। चीजें मेरे पास अब ऐसे पड़ी हैं। उसके बाद इस तरफ जो है वो एसी के उस तरफ मेरे ये बैग पड़े हुए हैं, इधर मैंने अपने बैग रखे हुए अभी से। और इस तरफ भी चीजें पड़ी हैं। डिग्गी तो भाई तुनपुर 52 की हुई है। अभी फिलहाल मैं यहाँ से बहावलनगर से निकला हूँ, टाइम हुआ है तकरीबन 6:15। मेरा मैंने सोचा था 5 बजे निकलूँ लेकिन अभी 6:15 हुए। अभी साहिवाल जाके कोई ब्रेक मारूंगा, उससे पहले नहीं मारूंगा। अभी पेट्रोल वगैरह फुल करवा के टायर प्रेशर चेक करके वी आर गुड टू गो। दरियाए सतलुज जो कि उधर से इधर को जा रहा है और इधर से ये उधर को जा रहा है। खैर अच्छा, ये इस तरफ जो है, वाओ यार क्या व्यू है। और हमेशा सोचता हूँ कि जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो हमेशा सोचता हूँ कि ड्रोन शॉट लूंगा, लेकिन अभी भी ड्रोन इस टाइम पास है। लेकिन मसला ये है कि अभी भाई गाड़ी इतनी ज़्यादा पैक हुई है कि शॉट लूंगा नहीं रुक के। लेकिन अगर इस टाइम ड्रोन शॉट आए ना, ऐसे गाड़ी गुजर रही हो और साइड पे ड्रोन चल रहा हो यार। बहावलनगर से आरिफवाला का जो रास्ता है वो गुजरता है ऐसे क्योंकि रोड अच्छी बनी हुई है, लेकिन वो मतलब वो क्वालिटी रोड की नहीं है कि ऐसे कारपेटेड रोड हो सीधी, ऐसे बंदा झूले लेता हुआ जाता है, इस टाइप की है लेकिन सही बनी हुई है। लेकिन आरिफवाला से साहिवाल की जो रोड है वो भाई इतनी घटिया बनी, मतलब बनी नहीं हुई। लास्ट टाइम पता नहीं ये कब बनी थी और उसके बाद यहाँ पे जो मतलब जिनको भी ठेके वेके मिलते हैं, जो भी डर्टी पॉलिटिक्स यहाँ पे होती है इस एरिया के अंदर, ये रोड ऐसी बनाते हैं कि वो 6 महीने बाद मैक्सिमम टूट जाती है। वो क्यों ऐसी बनाते हैं, 6 महीने बाद फिर से बजट आता है, फिर से वो पैसा खाते हैं, फिर से गंदी रोड बनाते हैं, वो फिर से टूटती है, फिर से बजट आता है, फिर पैसा खाते हैं, फिर रोड टूटती है। तो ये मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ कि ये हालात चल रहे हैं। ओ, ये कैमरा क्या कर रहा है मेरे साथ। हाँ भाई, रोड पे इतने कुछ शदीद खड्डों की वजह से जो है ना, वो अभी ऐसा तेज प्रेशर बना हुआ है कि मेरे से जो है ना वो सब्र नहीं हो रहा। थोड़ा सा भी और मैं मतलब अभी कोई 2-4 मिनट और ना रुकता तो मेरा बीच में निकल जाना था। अभी मैंने अपना नाश्ता लिया क्योंकि घर से मैं नाश्ता करके नहीं चला था और इस वक्त मैं हूँ लाहौर CNG पे। ये साहिवाल पे, जब आप बहावलनगर से साहिवाल मुल्तान रोड के ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे लाहौर CNG। अभी थोड़ा सा यहाँ से आगे मैकडोनल्ड बन गया, 3-4 साल हो गए। तो उस मैकडोनल्ड से पहले हम सारी उम्र से भाई, मतलब सारी उम्र से तो नहीं, हाँ तकरीबन 6th क्लास से मुझे याद है, हम यहीं पे लाहौर CNG आके रुक के चीजें वीजें लेके यहाँ से फिर आगे लाहौर निकलते थे। 7:40 हुए हैं और इस टाइम जो है मैकडोनल्ड खुला नहीं होगा क्योंकि ये साहिवाल वाला जो मैकडोनल्ड है इनका, इन्होंने ब्रेकफास्ट शुरू किया था लेकिन वो चला नहीं, तो इन्होंने 2020 के 1 तारीख से ब्रेकफास्ट को खत्म कर दिया था साहिवाल मैकडोनल्ड से। तो वो खुलता है 10 बजे, अभी वो बंद होगा। तो भाई मेरा नाश्ता भी जरूरी था, प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी था। टक बिस्कुट को डुबो के जो खाने का मजा है ना भाई, बिस्किट नहीं बिस्कुट।
नमकीन मजेदार आए हाय हाय डबल डक चार्ज डुबो गए हैं। वाला काम करने के बाद मैंने सीट खाली की है बंटी के लिए, क्योंकि जो अपार्टमेंट है वो सारा उसको सारा बंटी हैंडल कर रहा है। चाबी लेके दे मैंने अपार्टमेंट की, चाबी नहीं है काचे बोले दे पहले मेरी टोपियां उठा के ऊपर रख टीशू भी मुफ्त का माउस उठा के दी 28,000 का। यार मैं ना तुझे जानता हूँ, तू जिस दिन करोड़पति भी हो गया ना तो उस दिन भी 28,000 का माउस नहीं लगा। अभी मैं और बेंटी जो है हम लोग बाहर फिर रहे थे कुछ चीजें वगैरह कोई काम शाम करते, बेंटी का 1-5 देखने गए थे पर पसंद नहीं आया, अफसुरदा हुआ बेटे। पकड़ ब्लॉगिंग कर रहा आज तू पहले सट्टे ही उंगल लगा ली आगे कैमरे के। हाँ जी सारी बातें इसने आपको बता दी हैं, ये जो लड़का साथ बैठा है ना ये है RHS, लेकिन ये मेरा यार भी है। आपको मैंने एक चीज दिखानी थी पीछे, टोटल सामान डिग्गी में भरा हुआ है, ट्रक में भी आ रही है वो, लेकिन इस्तेमाल शुदा चूसी हुई पेस्ट छोटी बोरी 30 रुपया। अब नजर आ रही है पेस्ट 30 रुपए वाली जोन सी पेस्ट है चूसी हुई वो भी साथ लेके आया, रख लू मैं घर, कहीं ये ना हो घर के गेस्ट वॉशरूम में पड़ी थी, मैंने कहीं ये उठा लू, कहीं ये ना हो के वहां जाके खर्चा करना पड़ जाए पेस्ट, वो भी कोलगेट की जो हमारे बूढ़े दादे दूदे यूज करते थे कोलगेट, आजकल कोई भी नहीं करता। अभी आज मेरे ख्याल इमरजेंसी सॉरी कोलगेट वालों, घर वालों से शैम्पू और साबुन लेके आ मुश्किल अब इधर से ले, अब हम समझेगी इसके पास एक ही शर्ट है यही तेरे पास यही मेरे पास एक ही है एक लाल बस लाल भी है। अब सारा हमने इसका काम सेट करना है, इसके फ्लैट का सारा मामला जो भी है चीजें उठा के अंदर रखनी, हर चीजें उठा के अंदर रखनी है, एसी लगवाने सारे मामला करने हैं, बहुत लंबा दिन होने वाला। व्लॉगर फरहान राणा के साथ रिपोर्टर बंटी देखी गिटार को ना कुछ हो बस, हाँ ये बेहतर है इसको बाद में ही निकाल लेंगे, ये आ गया सही है, ये तो इम्पोर्टेंट है हर जगह भाई हर जगह साथ। हैंगर यार हमें बहुत चाहिए थे ना मेरी बेगम मेरे कपड़े इस्त्री करती ना सारे तो आजकल कह रही है हैंगर ला दो। अभी आधी शिफ्टिंग भी नहीं हुई और ये थक हार के हम लोग जो है ना थक हार के बैठे, बंटीज वाइफ एंड और भाभीज स्पेशलिटीज वाइफ नहीं एक्स वाइफ अच्छा तो ये हमारी भाभी ने बनाई है, बड़े मजेदार किस्म के सैंडविच पहले खा चुका हूँ मैं, बहुत ही आला यार वो फूड ब्लॉग नहीं है ना ये, लेकिन ओए शामिया बीच में कैसे और साथ में चाय। अच्छा यार वैसे मेरा एक छोटा भाई भी है, मैंने कभी उसको जो है ना आप लोगों से मिलवाया नहीं है, आ जा शर्मा क्यों रहा है, ये मेरा छोटा भाई है ताहा, दोबारा हेलो करें ताहा। हेलो, एक्सेंट नहीं चेक कर रहे आप ताहा बताओ किस क्लास में हो क्या करते हो? अच्छा 10th में, और कौन से स्कूल में? मैं स्कूल नहीं जाता, मैं अकेडमी जाता हूँ, नहीं अकेडमी जाता हूँ, बीकन हाउस जाता था लेकिन अब नहीं जाता, ऐसे ही छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ा है, वहाँ माहौल नहीं ठीक था? वहाँ माहौल भी नहीं ठीक था और वहाँ बहुत अच्छा माहौल नहीं ठीक था लेकिन पढ़ाई भी बहुत सख्त हो चुकी थी वहाँ पे, इसलिए मेरे बर्दाश्त से बाहर सच्ची बात है। और था बाइक चलानी सीख ली? बाइक चलानी बहुत ज्यादा सीख ली और माशाल्लाह से मैंने अपनी बाहर खड़ी की है बाइक, मेरे पास कोई चलाता नहीं नहीं चलाता शरीफ बच्चा बन रहा है, जब मैं आता हूँ ये पीछे बैठ जाता है कि झूला दोगे तो गेट के अंदर आने दूंगा, ये ताहा मेरा छोटा भाई है बड़ा जिगरी किस्म का, तो ताहा की फूड टूर करते हैं इकट्ठे, कोई क्या खाने चलते हैं कुछ इकट्ठे, फिर वीडियो बनाएंगे। हाँ ले चले चलो बस ठीक है, अब एक ताहा के साथ वीडियो बनेगी। नए अपार्टमेंट की खुशी में आज बंटी इतना ज्यादा खाना शाना लेके आए, ये नान अभी खोलेंगे ना चीजें, लौंडे वाली जिंदगी है, और ये बारबेक्यू है सारा, और ये शोतल बोतल है, और ये चसब जो है इनकी, इनको कोई मूवी या कोई चीज देखे वगैरह जो है ना वो खाना नहीं खाया जाता। ओए मनाई बोनती मलाई बटी के नीचे कबाब, सीख कबाब तय, देख उसने कैसे लगा के दी, चेक नहीं कर रहा था उसमें क्या है, तुम दोनों के चेस्ट है मेरा लाइक, हमारे चेस्ट है, तेरे पास चेस्ट नहीं है ये ऊपर एक लेग यार बारबी उड़ रही है, शकल से बेहतरीन, अभी उतर गया है बस ये, अब ना मेरे ख्याल से हम खा लें बिल्कुल
कट शॉर्ट, इस टाइम मेरी आवाज़ गूंज रही है, इस तरह लग रहा है कोई जिस तरह ना मैं किसी माइक के अंदर बोल रहा हूँ। तो यार ये मैंने जो है वो सारा इसको अभी अपार्टमेंट के अंदर हूँ मैं, नए वाले के अंदर, तो इसको ज़रा दो दिन मैंने सेटमेट किया। ये लोग जो अभी तक देख रहे थे वो अब दो दिन पहले तक का था, उसके बाद इसको सेटमेट किया, बड़ा काम था। उसके बाद सारा फर्नीचर जो है वो आया, उसे सेट किया, चीज़ें लगाई, ये सब काम किए। तो अभी जो है यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, क्योंकि इसको थोड़ी और सेटिंग करनी है। अभी मैंने कपड़े वपड़े अपने सेट करने हैं, सारी चीज़ें अलमारियों के अंदर रखनी है, इस तरह के काम अभी काफ़ी पड़े हैं। और आज एक मीटिंग भी है मेरी मर्चेंडाइज के हवाले से, अगर आप लोगों ने अभी तक मर्चेंडाइज ऑर्डर नहीं की तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, साथ साथ ब्रांडिंग भी करनी चाहिए तो वो आप जाके अपनी मर्चेंडाइज ऑर्डर करें। आज उसकी हमारी मीटिंग है। और इस पूरे अपार्टमेंट का अगर आप लोगों को टूर चाहिए तो आप मुझे बताएं आज कॉमेंट्स के अंदर, तो फिर मैं आपको इसका एक टूर भी ज़रा दे सकता हूँ, अगर अगर आप लोगों की मर्जी होगी तो मुझे कॉमेंट्स के अंदर बताएं और उसका टूर। हाँ, वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट करें, कुछ भी दिल करे भाई को तो हम याद रखना, और इंस्टा पे फॉलो मस्त। अल्लाह। और टायर अभी पेट्रोल वगैरह